नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल ऑनेस्ट एडवाइजर्स में। तो आज हम बात करेंगे IIBF का जो क्रेडिट ऑफिसर का जो सर्टिफिकेशन का एग्जाम होता है उसके बारे में। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस बनाएं IIBF के क्रेडिट ऑफिसर्स और अदर एग्जाम से रिलेटेड, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं क्रेडिट ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसमें कितनी फीस लगती है, एग्जामिनेशन का प्रोसीजर क्या है, इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, कौन सी बुक्स को हमें रेफ़र करना है, इस एग्ज़ाम को पास करने के रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स हमको क्या मिलने वाले हैं, और कहाँ से हम इस एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर के अनुसार दिनांक 1/4/2018 से अगर कोई भी बैंक का अधिकारी क्रेडिट में, रिस्क में, ट्रेजरी में या ऑडिट में काम करता है तो उसके पास स्पेशलाइजेशन का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसी प्रथा को आगे रखते हुए IIBF ने सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल का एग्जाम निकाला है। ये उन व्यक्तियों के लिए है जो क्रेडिट सेक्शन में काम करते हैं या क्रेडिट सेक्शन में काम करना चाहते हैं। इस एग्जाम के लिए टारगेट ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स हैं एग्जिस्टिंग एंड न्यूली पोस्टेड ऑफिसर्स इन क्रेडिट डिपार्टमेंट, पर्संस आइडेंटिफाइड फॉर द क्रेडिट डिपार्टमेंट, पीपल एस्पायरिंग टू बिकम क्रेडिट ऑफिसर इन बैंक्स। इस एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस, यानी जो मेंबर है और जो मेंबर नहीं है दोनों ही इसके लिए पात्र हैं। कैंडिडेट्स जिन्होंने 12th पास किया है किसी भी डिसिप्लिन में, वह सभी इस एग्जाम को देने के लिए पात्र हैं। इस एग्जाम की जो फीस है, वर्चुअल ट्रेनिंग बोर्ड में इस एग्जाम की फीस 6,000 रुपीज है, ट्रेनिंग फीस नील है। अगर आप फिजिकल क्लासरूम ट्रेनिंग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता सेंटर्स में करते हैं तो एग्जामिनेशन फीस 6,000 है और ट्रेनिंग फीस है 5,000। और अगर आप फिजिकल क्लासरूम ट्रेनिंग एट अदर सेंटर्स से करते हैं तो इसकी फीस है 6,000 प्लस GST एंड 9,000 प्लस GST इज द ट्रेनिंग फीस। दोस्तों ध्यान रखें, GST इज एक्सक्लूडिंग ऑफ द एग्जामिनेशन एंड ट्रेनिंग फीस। बात करें एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन जो होता है वो ऑनलाइन होता है। इसका सब्जेक्ट होता है क्रेडिट मैनेजमेंट। जो डिफिकल्टी होती है वो मीडियम लेवल की डिफिकल्टी होती है। लगभग 60 क्वेश्चंस थ्योरी के फॉर्म में आते हैं और 40 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल से रिलेटेड होते हैं। दोस्तों ऑनलाइन एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चंस आते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मिनिमम पासिंग मार्क्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन में 50 मार्क्स होता है और इसका ड्यूरेशन 2 आवर्स होता है। दोस्तों क्लासरूम ट्रेनिंग की बात करें तो वर्चुअल मोड और फिजिकल मोड दोनों में आप ले सकते हैं। ये 3 दिनों की होती है। इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स 25 होता है आउट ऑफ 50 मार्क्स। बात करें इस एग्जाम के सिलेबस के बारे में तो ये कोर्स ब्रॉडली कवर करता है लोन पॉलिसी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, क्रेडिट अप्रेजल मेथड्स, एक्सपोर्ट क्रेडिट्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्रेडिट मॉनिटरिंग, प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ इम्पेयर्ड एसेट्स। इस एग्जाम के मॉड्यूल्स के बारे में बात करें तो इसमें 5 मॉड्यूल्स हैं। पहला मॉड्यूल जो है वो इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट है। दूसरा मॉड्यूल जो है वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। तीसरा मॉड्यूल जो है वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। चौथा मॉड्यूल है अदर क्रेडिट्स और पांचवा मॉड्यूल है मॉनिटरिंग, सुपरविजन एंड फॉलो अप एंड मैनेजमेंट ऑफ इम्पेयर्ड एसेट्स। इसके अलावा दोस्तों IIBF कई बार IIBF विजन, बैंक वेस्ट, अदर मैगजीन्स, RBI के मास्टर सर्कुलर्स और जो वेबसाइट पे अपडेट्स आती हैं RBI की, सेली की, PIF, IIDA, CAIIB, इन सब की वेबसाइट से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके भी पूछ लेता है। बात करें इस एग्ज़ाम की रेफरेंस बुक्स के बारे में तो दोस्तों इस एग्ज़ाम की सबसे बेस्ट बुक जो है वो IIBF की टैक्समैन पब्लिकेशन की बुक है, जो है बैंकर्स हैंडबुक ऑन क्रेडिट मैनेजमेंट। दोस्तों ये इस एग्ज़ाम की बेस्ट बुक है और मैक्सिमम क्वेश्चंस हमें इसी बुक में से आते हैं। ये पढ़ने में भी बहुत आसान है। दोस्तों अगर आपको फर्दर स्टडीज़ करनी है, अपना एक्सपर्टीज डेवलप करना है तो आप NS टूर की बैंक क्रेडिट मैनेजमेंट भी ले सकते हैं फर्दर रीडिंग के लिए। दोस्तों बुक का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके भी बुक को परचेज अमेजन से कर सकते हैं। तो बात करें IIBF की टैक्समैन पब्लिकेशन की बुक के बारे में तो उसमें मॉड्यूल ए है इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट। इस मॉड्यूल में क्रेडिट का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसके बारे में दिया हुआ है। जो दूसरा मॉड्यूल है वह एनालिसिस एंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। इसमें बैलेंस शीट एनालिसिस और जो बेसिक एनालिसिस है वह दिए हुए हैं। तीसरा जो है वो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में वर्किंग कैपिटल, उसके जनरल जो बेसिक रेशियोज होते हैं कैलकुलेट करना, ये सब दिया हुआ है। मॉड्यूल डी है अदर क्रेडिट्स, जिसमें एक्सपोर्ट क्रेडिट, नॉन फंड बेस्ड जो क्रेडिट होता है उसके बारे में दिया हुआ है। पांचवा जो मॉड्यूल है वह है मॉनिटरिंग, सुपरविजन एंड फॉलो अप एंड मैनेजमेंट ऑफ इम्पेयर्ड एसेट्स। इसमें मॉनिटरिंग, NPA रिकवरी एंड अदर टास्क के बारे में डिस्कस किया हुआ है।
दोस्तों अब हम बात करें आईबीएफ के क्रेडिट ऑफिसर का एग्जाम देने से हमको क्या फायदे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये सर्टिफिकेशन हमें हेल्पफुल है प्रमोशंस में। यह हमको हमारा करियर एज अ स्पेशलाइज्ड क्रेडिट प्रोफेशनल बिल्ड करने में हेल्प करता है। तीसरा, आजकल बैंक द्वारा फीस का रिम्बर्समेंट और इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, तो ये उसमें हमें हेल्प करता है। आईबीएफ का क्रेडिट ऑफिसर का सर्टिफिकेशन आरबीआई द्वारा मैंडेटरी कर दिया गया है। पांचवा है एग्जाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज ऑफ क्रेडिट ऑफिसर्स में भी हमें हेल्प करता है। अगर हम इस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एमसीक्यूज देना चाहते हैं, तो आईबीएफ द्वारा एमसीक्यूज भी और मॉक टेस्ट भी इस एग्जाम के लिए दिए हुए हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी क्रेडिट ऑफिसर से रिलेटेड एंड अदर आईबीएफ के एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट बना करके आप लोगों को दे सकूँ। आपको और भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में करके अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं।